हेलो एवी वन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अगर आप फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे तो ये आप सभी के लिए है सो so, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हम है हरियाणा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने पी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जॉब वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में ठीक है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है एंड ये नए फिकेशन है जिसके सामने ही लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई सो सिंपली आप क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं सो so, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैलरी क्या है कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं फॉर्म भरने की फीस क्या होने वाली है ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कौन कौन से डिविजन्स में अपॉर्चुनिटी अभी निकली हुई है सो so यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एक्सप्लोजिव एफ इन मधुबन करनाल हरियाणा अलावा, of इसके अलावा सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर इसके अलावा सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर भी है राइट right? बट ये सारे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की कैटेगरी में जाएंगे सो एक्सप्लोसिव सीन ऑफ क्राइम टॉक्सिकोलॉजी साइकोलॉजी एनडीपीएस एनडीपीएस का मतलब है नार्कोटिक सब्सटेंस एंड साइको नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सेंस इसके अलावा डी एन ए सो डी एन ए डिविज़न में है बलिस्टिक डिवीजन में है लाइट डिटेक्टर डिविजन में है सो so, ये डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स है इनमें अलग अलग वेकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं सबकी अलग अलग पी डी एफ है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी पी डी एफ ओपन हो जाएगी मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है तो एक एक करके हम ओपन कर लेते हैं सबसे पहले एक्सक्लोजिव में बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है सो so, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आ रही है डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे सिक्स मार्च है सिक्स मार्च है ये जो नोटिफिकेशन है पब्लिक हो चुके हैं पब्लिक के लिए अवेलेबल हो चुके हैं ठीक है पब्लिश हो चुके हैं सो so, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एक्सप्लोजिव एफ एस एल कहाँ का एफ एस एल माधुबन करनाल हरियाणा कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी हम देख लेंगे यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी अवेलेबल है और ये टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी वन ही है एक्सप्लोजिव डिविजन के लिए ठीक है अब ओपनिंग डेट क्या है इलेवन थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फ़ोर जे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो कब से कर सकते हैं ग्यारह मार्च से फॉर्म फ़िल कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी अब, अब अवेलेबल है आप अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं क्लोजिंग डेट क्या है ट्वेंटी सिक्स मार्च

दे दे बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है है ही ही लास्ट डेट और को आपको फी फिल फिल करके कंप्लीट अपना फॉर्म करना पड़ेगा ज़्यादा के लिए आप विजिट कर सकते हैं एंड इसके बाद और दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है ठीक है तो ये क्या लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक आपके जो सबमिशन गाइडलाइंस है फॉर्म सबमिशन गाइडलाइंस उसकी गाइडलाइंस यहाँ पे लिखी हुई है आपको पूरा का पूरा जो पीडीएफ है बहुत डिटेल में पढ़ना है मैं जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको गलती से भी मिस नहीं करनी है वो डिस्कस कर लेती हूँ ठीक है नाउ यू हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा एक अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा एंड देन आप उसके बाद अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन अ लॉग इन आई वुड बी क्रिएटेड एंड द कैंडिडेट विल हैव टू कम्प्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाई यूजिंग द लॉग इन आई डी जैसे आप रजिस्टर करोगे एक आपकी आई डी क्रिएट हो जाएगी जैसे कि यूजअली अब हमेशा हर एक फॉर्म में होता है तो उसको लॉग इन करके फिर आप जो भी डिटेल्स हैं वो फिल करना शुरू करेंगे परिवार पंचन पत्र आधार वैल आधार एंड वर्चुअल आई डी वी आई डी इज रिक्वायर्ड फॉर दी ओथेंटिकेशन एम बायोमेट्रिक आप अपनी आई डीज यूज करके अपना ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक कराएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव एडवर्टीजमेंट एज पर द क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एन जिस बी डिवीजन में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मीट कर रहे हैं तो उसके बाद आप स्पेसिफिक डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं नाउ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली आफ्टर पेमेंट पेमेंट ऑफ रिक्वेस्टेड फी सो तभी ही आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा जब आपने सारे इन्फॉर्मेशन फिल करके फीस पे कर दी एंड फ़ी भी सक्सेसफुली पे हो गई है अगर फ़ी पे नहीं हुई है तो आपका फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा आफ्टर मेकिंग पेमेंट द कैंडिडेट हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाती है सारा का सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है टेक अ प्रिंट आउट और आपको ये संभाल के भी रखना है All the candidate हैव to submit, upload the scanned copy of duly signed application form after checking the particulars. So so, उट कर लिया सारी डिटेल्स से देखो स्कैन करके आपको अपलोड भी करनी है ओके नेक्स्ट थिंग इज हाँ ये इम्पोर्टेंट डेट्स है जो भी हमने जस्ट डिस्कस करी की आप अम्म ग्यारह मार्च से फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड छब्बीस मार्च तक फॉर्म आप विंडो ओपन रहेगी आप तब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं now important candidates to ensure their eligibility for the post now candidates applying for the post should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for the post the admission to the recruitment process will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions mere issuance of e-admit card to the candidate will not imply his and her candidate to been finally cleared by the commission so as admit card milga, एग्ज़ाम दे ही सकते हो अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपके फॉर्म में अगर मिलती है बाद में भी एग्ज़ाम देने के बाद भी तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा तो आपको बहुत ही ध्यान से अपनी एलिजिबिलिटी देख लेनी अगर कहीं पर भी मिस आउट हो रहा है तो आपको उसी समय पर यहाँ से क्या कर दिया जाएगा आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा नाउ हाउ टू अप्लाई जैसा कि अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एक आईडी क्रिएट करनी है उस आईडी को लॉगिन करने के बाद फिर आप रिस्पेक्टिव डिविजन्स में फॉर्म फिल करेंगे नेक्स्ट लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड ऑफ एन एप्लीकेशन सो लास्ट डेट मैंने बताया था ट्वेंटी सिक्स मार्च है सो छब्बीस मार्च तारीख है जिसमें आपको जिसके पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है ठीक है नाउ वट एल्स नेम ऑफ द पोस्ट कैटेगरी वाइज बाइफ़िकेशन ऑफ द पोस्ट सो कैटेगरी वाइज़ कैटेगरी वाइज बाइफ़िकेशन क्या है कि जनरल कैटेगरी के लिए एक ही पोस्ट ओपन है अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स में आते कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं और अगर आपको एक्सक्लोजिव के लिए फिल करना है तो आपको अंडर जनरल फॉर्म फिल करना पड़ेगा ठीक है ना एसेंशियल क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट जिसका वेट सारे के सारे कैंडिडेट करते रहते हैं कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सो एमएससी एस सी एट लीस्ट फर्स्ट डिवीजन सो आपकी एमएससी एस सी एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में होनी चाहिए केमिस्ट्री में हो सकती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में हो सकती है या फिर फॉरेंसिक साइंस में हो सकती है ठीक है आपका जो टोटल एग्रीगेट परसेंटेज है वो फर्स्ट डिविजन की कैटेगरी के अंदर आना चाहिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक सिक्सटी इज द लाइक बॉर्डर मार्क जिसको हम फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं थ्री इयर्स रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द अब सब्जेक्ट्स हिंदी संस्कृत अप टू मेट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन या तो हिंदी होनी चाहिए या तो संस्कृत होनी चाहिए इसके अलावा तीन साल का अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है या कोई एनालिटिकल एक्सपीरियंस है तो वो चाहिए इसके अलावा और क्या चाहिए नोट द एलिजिबिलिटी ऑफ़ द कैंडिडेट विल विथ रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा एक्सेस्ट्रा शैल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट जो आपका एक्सपीरियंस है जो आपकी एलिजिबिलिटी है जो क्लोजिंग डेट है मतलब ट्वेंटी सिक्स मार्च तक काउंट करी जाएगी तो अगर आपके कुछ दिन रह रहे हैं ना तो भी आप ट्वेंटी सिक्स मार्च तक अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे सो so, जो काउंट होगा वो वो ट्वेंटी सिक्स के पहले पहले तक का काउंट होगा ठीक है ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट एंड अदर कैंडिडेट्स स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द क्लोजिंग डेट दे आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स बिफोर अपलाइंग दैट दे पॉज एट लीस्ट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेड डाउन फॉर द पोस्ट सो जो बहुत सीरियस एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी ही चाहिए बिफोर ट्वेंटी सिक्स मार्च ठीक है ना सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डोमिसाइल कास्ट कैटेगरी एक्सेट्रा शुड बी पजेस्ड बाई द कैंडिडेट ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट आपके पास जो भी सर्टिफिकेट मिसिंग है वो छब्बीस मार्च से पहले पहले अपने पजेसन में ले लो बनवा लो सारी चीजें अपने साथ रख लो सो आपके पास ट्वेंटी सिक्स मार्च तक का टाइम है द इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स डन बाय द कैंडिडेट आफ्टर क्लोजिंग डेट शेल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी पर्पज इन दिस रिक्रूटमेंट ट्वेंटी जो भी अगर आप अपडेट कराना चाहें या कुछ और अच्छी क्वालिफिकेशन आपकी आ गई है ट्वेंटी वो किसी भी कंडीशन में अपडेट नहीं करा जाएगा जो आप ट्वेंटी पहले पहले कर देते हैं दैट विल बी द सबमिटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड द प्रिस्क्राइबेंशियल क्वालिफिकेशन आर द मिनिम एंड मेयर पोजेशन ऑफ द सेम डॉट एंटाइट कैंडिडेट टू कॉल फॉर द इंटरव्यू अगर आपके पास सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यू तक पहुँच ही जाओगे अच्छी बात है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है आप एग्जाम दे रहे हो एंड यू आर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन जब आप एग्जामिनेशन क्लियर करोगे तभी ही आपको कॉल आएगी फॉर इंटरव्यू ठीक है द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस गेंड इन गवर्नमेंट सेक्टर शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ पोस्ट हेल्थ पे स्केल सैलरी पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट ड्यूटीज परफॉर्म प्लेस ऑफ

ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके पास कोई भी पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो वो कंसीडर नहीं करा जाएगा सो यू हैव टू हैव अ फुल टाइम एक्सपीरियंस फ्रॉम दी रिस्पेक्टिव एरियाज़ जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में रिक्वायर्ड है ठीक है द एक्सपीरियंस एक्वायर्ड फ्रॉम द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल ओनली बी कंसीडर्ड नो एक्सपीरियंस अदर देन क्लेम्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसीडर्ड ठीक है तो कोई एक्सपीरियंस आपका कंसीडर नहीं करा जाएगा इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बींग लार्ज कमीशन शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू अनेबल नंबर बाई एनी और मोर द फॉलोइंग मेथड सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं बींग कैंडिडेट इट्स नॉट लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन तो जस्ट गो थ्रू इट ठीक है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए पे स्केल की हम बात करें सो पे स्केल इज इज़ वेरी गुड ठीक है पे स्केल क्या होगा पे स्केल आपका फिफ्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड टू वन लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड को रेंज करेगा ठीक है इट इज़ वेरी गुड गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी है अगर आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फ़ुलफिल करते हैं सो यू मस्ट अप्लाई फॉर दीज गिवन पोस्ट फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट ठीक है सर्विस रूल्स ऑफ द पोस्ट तो ये सर्विस रूल्स आप जस्ट गो थ्रू कर लेना एलिजिबिलिटी कंडीशन नेशनलिटी के लिए क्या है आपको एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए A subject to Nepal, subject to Bhutan, Tibetan refugee, a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East Africa, countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, uh, Utopia, Vietnam, Ethiopia. yes, with the intention of. permanently सेटलिंग इन इंडिया दे ऑल आर eligible सो so बेसिकली अगर आप एक इंडियन citizen हो चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो यू कैन अप्लाई फॉर these जॉब्स ठीक है सो बेसिकली स्टूडेंट्स को यही रहता है कंसर्न कि हम हरियाणा स्टेट से बिलोंग नहीं करते हम एक्स वाई सी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो क्या हम फॉर्म फ़िल कर सकते हैं तो येस इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म ठीक है नाउ एज लिमिट एज लिमिट क्या है मिनिमम आपको ट्वेंटी ईयर्स का होना ही चाहिए मैगजिमम फोर्टी फोर्टी फाइव ईयर्स और ये कब से काउंट करा जाएगा वन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ठीक है नाउ कैटेगरीज वेयर रिलैक्सेशन इज एडमिबल सो कैटेगरीज जिनको रिलैक्सेशन मिल रहा है चाहे वो एज रिलैक्सेशन हो चाहे वो एक्स वाई सी कोई भी रिलैक्सेशन हो नंबर ऑफ ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि स्केड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्कीड्यूल कास्ट फ्रॉम हरियाणा ओनली सो ये स्टेट स्पेसिफ़िक है उनको पाँच साल का रिलैक्सेशन है बैकवर्ड क्लासेस को भी फाइव ईयर्स का रिलैक्सेशन है डिसेबल्ड पर्सन हु कवर अंडर द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसबिलिटी एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन इनको टेन ईयर्स का रिलैक्सेशन है ऑल दी अदर डिटेल्स आर क्लियरली गिवन इन दी कॉलम्स आप उसको गो थ्रू कर सकते हो ठीक है इन कुछ और क्राइटेरियाज़ है जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिल रहा है सो प्लीज़ गो थ्रू इट्स इट्स वेरी ठीक है सो so, यस yes, ये एज रिलैक्सेशन की बात हुई रिजर्वेशन भी जो है कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो ये भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सो so, अगर आप वहां से इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या हरियाणा पी की गवर्नमेंट से भी हरियाणा पी की गवर्नमेंट साइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट इज एक्स सर्विस मैन क्या है ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है ई डब्ल्यू एस के लिए एविडेंस ऑफ एज के लिए एप्लीकेशन फीस अच्छा एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं so application fees for male candidates of general category including a son of ex servicemen of haryana it's 1000 rupees male candidates backward classes belonging to creamy layer male candidates of all categories of other state will be 1000 rupees female candidates ke different different categories it's 250 rupees male and female candidates of st sorry sc bca bcb एंड ई एस एम कैटेगरीज ऑफ हरियाणा ओनली सो यहाँ पे देख लो हरियाणा ओनली की बात हो रही है अगर आप डिफरेंट स्टेट्स हैं तो आपको ये फैसिलिटी uh, नहीं मिलेगी इट्स टू फिफ्टी रुपीज़ अगर डिसेबल पर्सन है तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी ठीक है इट वॉज़ अबाउट दी एप्लीकेशन फी स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा कि वॉट द स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एंड इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड विद एप्लीकेशन फॉर्म आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सो so, आपकी स्कैन फोटो जो कि आपने साइन करी हो सेल्फ अटेस्टेड वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा स्कैन सिग्नेचर ऑफ़ द कैंडिडेट स्कैन कॉपीज ऑफ डिग्री मार्कशीट्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्कैंड कॉपी ऑफ योर रिजर्वेशन जिसके लिए आप अप्लाई करोगे कि आपको एक्स वाई जी कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहिए उसकी भी स्कैन कॉपी स्कैन कॉपी ऑफ पी डब्ल्यू डी सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप हरियाणा स्टेट लाइक कैंडिडेट्स को जो रिजर्वेशन मिल रही हैं अगर वो आप चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे डोमिसाइल हरियाणा का सबमिट करना पड़ेगा ना स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसके अकॉर्डिंग एन एच जी वन के अकॉर्डिंग स्कैन कॉपी ऑफ एन ओ सी फ्रॉम द डिपार्टमेंट अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हो स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ हैविंग वर्कड एज अ ढॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चेंज डेली वेजिस बेसिस या जो भी आपके एक्सपीरियंस है वो सारे सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे ना स्कैन कॉपी ऑफ आधार एंड जो भी परिवार पंचनामा जिसके थ्रू आपने ये uh, रजिस्टर करा है ख़ुद को वो आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है देन वी हैव ओके okay, अगर ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको किस तरीके से अपलोड करना है अगर आप ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं या फिर किसी भी अदर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप रहे हैं तो इसके अलावा व्हाट एल्स तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन थी तो ये इंफॉर्मेशन सेम रहेगी है ना जस्ट एलिजिबिलिटी एंड नंबर ऑफ पोस्ट दूसरे डिविजन्स के लिए चेंज हो जाएंगे सो लास्ट डेट सेम है अप्लीकेशन टाइम सेम है नेक्स्ट हम बात करेंगे सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर की सो सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर में तीन अनरिजर्वड कैंड तीन जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है एक पोस्ट ए सी के लिए सो टोटल फोर पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर के केस में ठीक है एवरी थिंग इज़ सेम आपको सेम अप्रोच करनी है सेम लास्ट डेट है एवरी थिंग इज सेम सेम एंड यहाँ पे देख लो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एम एस सी एट लिस्ट सेकंड डिवीजन पहले हमने क्या देखा था एम एस सी एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इट्स एम एस सी एट सेकेंड डिवीजन इन जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी ह्यूमन जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बायोलॉजी बायो केमिस्ट्री माइक्रो बायोलॉजी फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स फॉरेंसिक साइंस और इसके इक्वलेंट क्वालिफिकेशन आपकी है तो तीन साल का रिसर्च एनालिटिकल एक्सपीरियंस हिंदी संस्कृत आपके स्कूल लेवल पर होनी चाहिए थी सो so, ये असेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके बाद सारी चीज़ें सेम है मैंने जो अभी प्रीवियसली डिस्कस करी सो लेट्स क्विकली गो थ्रू दी टॉक्सिकोलॉजी डिविजन सो टॉक्सिकोलॉजी डिविजन में तीन जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पोस्ट है एक एस सी के लिए है टोटल चार पोस्ट है सो so, इसके बाद यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डायरेक्ट चलते हैं मतलब असेंशियल क्वालिफिकेशन पे ओके हाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है एम एस सी एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन ये आपको ध्यान से देख लेना है कि एम एस सी uh, में एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन मांग रहा है या सेकेंड डिवीजन मांग रहा है केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी फोरेंसिक साइंस या फिर इसके इक्वलेंट तीन साल का एक्सपीरियंस हिंदी संस्कृत होनी चाहिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें बाकी सब कुछ सेम है जो भी हमने प्रीवियसली डिस्कस करा इवन सैलरी इज ऑल्सो सेम क्योंकि सेम लेवल की जॉब पोस्ट है बस डिविज़न डिफरेंट है लेट्स मूव टू साइकोलॉजी डिविजन साइकोलॉजी डिविजन में चार अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है एक एस सी के लिए है टोटल पाँच पोस्ट अवेलेबल है एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एटलीस्ट फर्स्ट डिविजन साइकोलॉजी किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से तीन साल का रिसर्च एक्सपीरियंस हिंदी संस्कृत मैट्रिक स्टैंडर्ड या हायर एजुकेशन में होना चाहिए बाकी everything same, की बात करें सो so, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट है एक एस के लिए है टोटल दो है क्वालिफिकेशन एसेंशियल एम एस सी फर्स्ट डिविजन केमिस्ट्री से फॉरेंसिक साइंस या फिर इसके इको है तो वो तीन साल का एनालिटिकल एक्सपीरियंस हिंदी संस्कृत होनी चाहिए ओके नेक्स्ट वी है डेट्स के लिए दो पोस्ट है ये जो है डी एन ए डिवीज़न है एक एस सी के लिए है सो टोटल तीन पोस्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत है वो देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्स एम एस सी फर्स्ट डिविज़न जूलॉजी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जेनेटिक्स बायो केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी फॉरेंसिक साइंस या फिर इसके इक्वलेंट ठीक है जोआलॉजी बॉटनी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बी लेवल पे अगर आपने एक सब्जेक्ट भी बॉटनी या जोआलॉजी पढ़ा है यू आर एलिजिबल तीन साल का एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर हिंदी संस्कृत या और हिंदी संस्कृत होना चाहिए ठीक है डिजायरेबल क्या है अगर आपने ऑलरेडी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में काम करा है तो प्रेफरेंस आपको मिलेगी नेक्स्ट इज़ बेलिस्टिक्स डिवीजन बैलिस्टिक्स डिविजन्स में टोटल तीन पोस्ट है दो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एक एस के लिए टोटल तीन है असेंशियल क्वालिफिकेशन पे मूव करते हैं फटाफट से असेंशियल क्वालिफिकेशन इज एम एस सी एट लीस्ट सेकेंड डिविजन फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स केमिस्ट्री फॉरेंसिक साइंस ऑफ एक्ल्ट तीन साल का एक्सपीरियंस हिंदी संस्कृत की रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट इज लाइ डिटेक्टर डिविजन एक ही पोस्ट अवेलेबल है जनरल के लिए ही मतलब ऑन रिसर्व के लिए एंड असेंशियल क्वालिफिकेशन इनक्लूड्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ एटलीस्ट सेकेंड डिविजन इन साइकोलॉजी या फिर उसके इक्वलेंट तीन साल का एक्सपीरियंस हिंदी संस्कृत हिंदी इज़ रिक्वायर्ड संस्कृत नॉट हिंदी इज रिक्वायर्ड अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड या फिर हायर एजुकेशन तो ये थे डिफरेंट डिविजन्स जहाँ पर नंबर ऑफ वेकेंसीज आई हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने रिलीज करी है और ये सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए है आई होप दिस वीडियो हेल्प्स अगर ये वीडियो हेल्प करती है आपकी तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेड डे है टे केयर ऑफ योर सेल्स एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीक Video. till then take care bye